हिंदी या फिर इंग्लिश में हम जब किसी चीज़ को काउंट करते हैं तो उस चीज़ से पहले न्यूमेरिक ऐड कर देते हैं, बट जैपनीज़ में ऐसा नहीं है। हर एक चीज़ को काउंट करने के लिए हम अलग अलग काउंटर सफिक्स यूज़ करते हैं। तो मैं चुमकी आप सबका स्वागत करती हूँ ओहायो जैपनीज में, जहाँ हम आज लेसन 11 के वोकेबुलरीज डिस्कस करेंगे। लेसन 11 में कई और सारे वोकेबुलरीज के साथ साथ काउंटर सफिक्स के बारे में भी डिस्कस किया गया है, लेकिन एक ही वीडियो में सारे काउंटर सफिक्स के बारे में बात करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि जैपनीज में लगभग हर चीज़ों के लिए अलग अलग काउंटर सफिक्स है। सो कुछ चुनिंदा काउंटर सफिक्स के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो जो सबसे पहला वोकैब है वो हमें लेसन 10 में मिल चुका है, इमास, कोदोमोगा इमास, कोदोमोगा इमास, हैव अ चाइल्ड। तो यहाँ लाइफ में किसी पर्सन का होना बता रहे हैं। यहाँ पे चाइल्ड के जगह पे किसी और के बारे में भी आप बोल सकते हैं, जैसे कानोजो नीवा कोदोमोगा इमास, मतलब शी हैज अ चाइल्ड। इमास निहोन्नी इमास, निहोन्नी इमास, स्टे और बी इन जापान। तो इस इमास का मतलब है किसी जगह पे होना। तो जापान के जगह पे हम किसी और प्लेस के बारे में बोल सकते हैं, जैसे चिचीवा इंदोनी इमास, मतलब माय फादर इज इन इंडिया। काकारी मास, काकारी मास, टेक रेफरिंग टू टाइम और मनी। तो लगना, कितना पैसा लगा, कितना टाइम लगा, ये बताने के लिए हम काकारी मास यूज करते हैं, जैसे निजिकान काकारी मास, इट टेक्स 2 आवर्स। यासुमी मास, काइशाओ यासुमी मास, काइशाओ यासुमी मास। तो यासुमी मास होता है टेक ए डे ऑफ, छुट्टी लेना या फिर छुट्टी करना। अब आप स्कूल, काम, किसी भी चीज से छुट्टी ले रहे हो, आप यूज कर सकते हो यासुमी मास। जैसे किनो गाको ओ यासुमी माशता, मतलब आई वॉज एबसेंट फ्रॉम स्कूल यस्टरडे। अब बारी आती है चीजों को कैसे काउंट करते हैं उसके बारे में। अगर नॉर्मली हम चीजों को काउंट करते हैं तो हम यूज करते हैं एन में त्सु, जैसे हितोत्सु, हितोत्सु, फुतात्सु, फुतात्सु, मित्सु, मित्सु, योत्सु, योत्सु, इत्सुत्सु, इत्सुत्सु, मुत्सु, मुत्सु, नानात्सु, नानात्सु, यात्सु, यात्सु। तो ये याद रखना, कंफ्यूज मत होना, 4 के लिए होता है योत्सु और 8 के लिए यात्सु। 9 कोकोनोत्सु, कोकोनोत्सु, और 10 को तो लॉन्ग साउंड है तो। और अगर बोलना है हाउ मेनी, इकोत्सु, इकोत्सु। इसी तरह अगर हम लोगों को काउंट करेंगे, हितोरी, हितोरी, फुतारी, फुतारी, और उसके बाद हितोरी और फुतारी के अलावा बाकी सब में हमें एंड में नीन यूज करना है। सान्निन, सान्निन, योनिन, योनिन, ध्यान रखना ये योनिन नहीं है, योनिन। गोनिन, गोनिन, रोकुनिन, रोकुनिन, नानानिन और शिचिनिन, नानानिन, शिचिनिन, हाचिनिन, हाचिनिन, क्यूनिन, क्यूनिन, ज्यूनिन, ज्यूनिन। हाउ मेनी पीपल, नाननिन, नाननिन। इसी तरह बड़े बड़े मशीन्स या कार्स को काउंट करने के लिए हम यूज करते हैं दाई, दाई, जैसे वताशी नो इए नीवा नी दाई नो कंप्यूटा गा अरिमास, मतलब वी हैव 2 कंप्यूटर्स इन आवर हाउस। नेक्स्ट माई, माई, माई यूज करते हम फ्लैट ऑब्जेक्ट्स के लिए, जैसे पेपर, स्टाम्प्स, प्लेट्स एट्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल ओसारा ओ योन माई काइमाश्ता, आई बॉट 4 प्लेट्स। काई, काई, टाइम्स, मतलब कितनी बार कोई चीज
एक बार, दो बार, तीन बार, कितनी बार हम करते हैं उसके लिए का यूज करते हैं। जैसे वताशी वा सोनो एगाओ सांकाई मिमाश्ता, मतलब आई वॉच दैट मूवी 3 times। रिंगो रिंगो एप्पल, कोनो रिंगो वा ओइशी दिस, दिस एप्पल इज डिलीशियस। मिकान मिकान ऑरेंज, मिकान ओ काइमास्का, वुड यू लाइक टू बाय ऑरेंजेस। सांदो इच्ची सांदो इच्ची सैंडविच, सांदो इच्ची ओ ताबेमासेन, आई डोंट ईट सैंडविचेस। करे राइस करी एंड राइस, जॉन वा करे राइस गा तोतेमो सुकी देस, जॉन लाइक्स करी राइस वेरी मच। आइसक्रीम ओ मित्सु कुदासाई, 3 ice creams प्लीज। नेक्स्ट कित्ते कित्ते पोस्टल स्टाम्प, वताशी वा कित्ते ओ आत्सुमेरु नोगा सुकी देस, आई लाइक टू कलेक्ट पोस्टल स्टाम्प। हागाकी हागाकी पोस्ट कार्ड, हागाकी ओ इचिमाई कुदासाई, 1 postcard प्लीज। फूतो फूतो एनवेलप, फूतो नी कित्ते ओ हरिमाश्ता का, डिड यू पुट अ स्टाम्प ऑन द एनवेलप। सोकुतात्सु सोकुतात्सु स्पेशल डिलीवरी, सोकुतात्सु दे ओकुत्ते कुदासाई, प्लीज सेंड इट बाय स्पेशल डिलीवरी। काकितोमे रजिस्टर्ड मेल, कोनो निमोत्सु ओ काकितोमे दे ओनेगाइशिमास, ओनेगाइशिमास का मतलब है प्लीज कर दीजिए। सो प्लीज सेंड द पैकेज बाय रजिस्टर्ड मेल। एयामेरु एयामेरु और कोकुबिन कोकुबिन, तो दोनों बोल सकते हैं। जो इंग्लिश से आता है वो है एयामेरु, और जो मेन जैपनीज का वर्ड है वो है कोकुबिन, मतलब एयरमेल। चिची वा तेगामी ओ कोकुबिन दे ओकुरिमाश्ता, माय फादर सेंट द लेटर बाय एयरमेल। फुनाबिन फुनाबिन सीमेल, कोरे ओ फुनाबिन दे ओकुत्ते कुदासाई, प्लीज सेंड दिस बाय सीमेल। रियोशिन रियोशिन पेरेंट्स, कारे वा रियोशिन तो सुंदेइमास, ही लिव्स विद हिज पेरेंट्स। क्योदाई क्योदाई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स या फिर सिबलिंग, कानोजोनी वा क्योदाई गा इमासेन, शी डजंट हैव एनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। अनी अनी अपने एल्डर ब्रदर को बोलते हैं अनी, कारे वा वाताशिनो अनी दिस, ही इज माई एल्डर ब्रदर। ओनीसान ओनीसान, तो इसमें आएगा लॉन्ग साउंड ओनीसान, ठीक है। Someone else elder brother, किसी और के बड़े भाई को बोलते हैं ओनीसान। ओनीसान वा क्योशी देसने, योर एल्डर ब्रदर इज अ टीचर इजंट ही। आने आने माई एल्डर सिस्टर, आने तो इशोनी काइमोनो नी इकिमाश्ता, आई वेंट फॉर शॉपिंग विथ माई एल्डर सिस्टर। ओनेसान ओनेसान Someone else elder sister, कारे नो ओनेसान वा ओंगाकुगा जोजु देसने, हिज एल्डर सिस्टर इज गुड एट म्यूजिक। ओतोतो ओतोतो माय यंगर ब्रदर, वताशी निवा हितोरी नो ओतोतो गा इमास, आई हैव वन यंगर ब्रदर। ओतोतो सान ओतोतो सान समवन एल्स यंगर ब्रदर, ओतोतो सान वा दाइगाकुसे देसका, इज योर यंगर ब्रदर अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। इमोतो इमोतो माई यंगर सिस्टर, इमोतो वा तोतेमो कावाई देस, माई यंगर सिस्टर इज वेरी क्यूट। इमोतो सान समवन एल्स यंगर सिस्टर, इमोतो सान वा गेंकी देस का, हाउ इज योर यंगर सिस्टर डूइंग। गाइकोकु फॉरेन कंट्री, गाइकोकु ए इत्ता कोतोगा अरिमास का, Have you ever been to a foreign country? नानी नानी जिकान
नानी नानी जिकान। आवर्स, तो ये है आवर्स के लिए काउंटर सफिक्स। माइनिची सान जिकान बेंक्यो शिमास। आई स्टडी फॉर 3 आवर्स एवरी डे। माइनिची मतलब एवरी डे। नानी नानी शोकान, नानी नानी शोकान मतलब वीक्स। वीक के लिए काउंटर सफिक्स। वताशिवा निशोकान कोकोनी इमास। आई एम हियर फॉर 2 वीक्स। नानी नानी कागेत्सु, नानी नानी कागेत्सु काउंटर सफिक्स फॉर मंथ्स। कारेवा इक्कागेत्सु मायेनी केक्कोन शिमाश्ता। इक्कागेत्सु मतलब 1 महीना। ही गॉट मैरिड 1 मंथ एगो। नानी नानी नैन, नानी नानी नैन। इयर्स, निसेन निजू नी नैन नी निहोन ए इकिमाश्ता। आई वेंट टू जापान इन 2022। नानी नानी गुराई, नानी नानी गुराई अबाउट समथिंग या फिर अप्रोक्सीमेटली समथिंग। इची जिकान गुराई काकानी मास। इट टेक्स अबाउट 1 आवर। दोनों कुराई, दोनों कुराई। हाउ लॉन्ग, तो ये पूछने के लिए ठीक है। बासुदे दोनों कुराई काकानी मास का हाउ लॉन्ग डज इट टेक बाय बस। जेम्बुदे, जेम्बुदे मतलब इन टोटल या फिर इन ऑल। जेम्बुदे निसेन एन दिस, इट्स 2000 yen इन ऑल। मिन्ना, मिन्ना ऑल या फिर एवरीवन, और कभी कभी एवरीथिंग के लिए भी यूज होता है। सो मिन्ना वा पिज्जा गा सुकी देस, एवरीवन लाइक्स पिज्जा। नानी नानी दाके, नानी नानी दाके। ओनली किनो नी जिकान दाके बेंक्यो शिमाश्ता। आई स्टडीड ओनली फॉर 2 आवर्स यस्टरडे। इराशाइमासे, इराशाइमासे वेलकम, मे आई हेल्प यू। तो ये एक फ्रेज है जो ज्यादातर दुकानों में कस्टमर को ग्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये थे लेसन 11 के वोकैबुलरीज। जो जो वोकैबुलरीज हमने डिस्कस किया है उनको आप अलग अलग ग्रामर पैटर्न में यूज करके अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक बटन को जरूर प्रेस कीजिए। और जो लोग हमारे चैनल में नए हैं प्लीज प्लीज सब्सक्राइब ओहायो जैपनीज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग। सायोनारा।